पूरा हरियाणा जानता है और पार्टी के उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी लीडर नहीं बनाया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगती है। परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक ढोल पीटती रही है कांग्रेस पे ये और दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और इन चुनावों के लिए अभी पिछले दिनों कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की है। पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोनों पार्टियां, स्पेशली मैं नेशनल पार्टियों की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी जो लिस्ट है वो जारी करने में देरी क्यों कर रही है, पहले आप क्यों कर रही है। अब देखिए, अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 जो उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें लगभग 23 के करीब नए चेहरे जो उन्होंने लिए हैं और 25 के करीब नए चेहरे लिए हैं और 23 के करीब जो उनके बाकी के उम्मीदवार हैं उनके अभी नाम आने बाकी हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश मेहरा जी बैठे हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, अभी जो पीछे 23 नाम बाकी हैं उसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, एक ही बार में सारी लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई, इसका भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मेरा साहब, पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस किया कि दोनों जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये अपने अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करने में कहीं ना कहीं डिले कर रहे थे। पहले आप वाली स्थिति बनी हुई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कल शाम को अपने 67 जो उम्मीदवार है उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। देखिए राजेंद्र जी, बड़े ही वाजिब क्वेश्चन से आपने आज की जो डिस्कशन चर्चा है उसकी शुरुआत की है। जैसा आपने बताया कि पहले हमने 3 दिन पहले इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं और उस चर्चा में हमने इस बात पे काफी तवज्जो दी थी कि दोनों पार्टियां, यानी दोनों पार्टियों के साथ साथ रीजनल पार्टियां भी ये देख रही हैं कि पहले आपके उस पे आधार पे वो सूची जारी करने के लिए अपने आप को रोके हुए थी जी। और कल जैसे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत ज्यादा 67 आपने बताया 67 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में एक साहस दिखाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, लेकिन पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट जारी की थी और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगतना पड़ा था, यानी 5 सीट उन्होंने लूज की थी। और इसी प्रकार से जो कल 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ मिलने वाला मुझे लगता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है अपने जातीय समीकरण साधने की, सोशल इंजीनियरिंग साधने की, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसके लगभग लगभग में हम मान के चले कि 100 से भी अधिक जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे, पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने अपने अपने पदों से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। हम बात करेंगे जैसे कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। एक्स स्टेट मिनिस्टर थे रणदीप कंबोज, थे रणजीत सिंह चौटाला तो प्रेजेंट में मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। और पूर्व मंत्री भी, जिनमें कई कर्णदेव कंबोज की आपने बात की है, कई पूर्व MLA भी है, कई और पदाधिकारी भी है, GL शर्मा है जो पार्टी के बड़े नेता थे, और सावित्री जिंदल, कांग्रेस पार्टी से सावित्री जिंदल जी, जो सावित्री जिंदल ने भी चुनाव लड़ने का, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और कविता जैन सोनीपत से जो नाराज बताई है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बिल्कुल नाराज बताई जा रही है। वो पहले विधायक रह चुकी है और मंत्री भी रह चुकी है हरियाणा सरकार में,
और इस प्रकार से उन्होंने मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मेरा साहब, ये तो हम लोग पहले ही अंदेशा लगा चुके थे इस चीज का कि जो भी पार्टी, क्योंकि शायद इसीलिए ये पार्टियां जो अपनी लिस्ट है उसको डिले कर रही थी कि कहीं ये दिक्कतें ना आए, तो ये तो अंदेशा पहले ही था कि ये भगदड़ मचेगी, कहीं ना कहीं जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो नाराज होगा, और नाराज होगा तो आज की डेट में सबसे बड़ी चीज क्या है, दल बदल। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ये जो भगदड़ मची है इसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैसे संभाल पाएगी, कैसे साधेगी इसको? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला उन्होंने अपनाया है और जातीय समीकरण जो साधा है उसमें काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और इसीलिए उन्होंने जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उन्होंने अपनी लिस्ट में ओबीसी वोटर को साधा है और एससी वोटर को, एससी वोटर में मैं बात करूंगा जो आरक्षित सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं वो काफी वाल्मीकि समुदाय, जाटव समुदाय, धानुक समुदाय से हैं, और इसके साथ साथ ओबीसी में हम बात करें गुर्जर समुदाय से उन्होंने कई उम्मीदवार दिए हैं, और वैष्णव जो जो बनिया समुदाय से कई उम्मीदवार उनसे दिए ताकि जो शहरी वोट है उनको साधा जा सके। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग के मामले में काफी वो भारतीय जनता पार्टी इसमें कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, लेकिन इसके बाद जो बगावत हो रही हो भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जो नए चेहरे इन्होंने 25 के करीब नए चेहरे इन्होंने लिए, उन पे दांव खेला है, क्या ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी को कहीं कारागर उनके लिए साबित होगी, क्या उसका कोई फायदा वो ले पाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी विचारधारा थी उससे भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ नया कदम उठाया है, और इसी के साथ जो पुराने जो कैंडिडेट थे उनके रहे हैं, पुराने विधायक रहे हैं और या मंत्री रहे हैं, उनको टिकट नहीं थमाई गई, और अभी जो नए नए लोग भारतीय जनता पार्टी में आए उनको कई लोगों को उनको टिकट दी गई है। जैसे मैं बात करें जो जजपा से कई लोग जो MLA विधायक थे मंत्री थे वो लोग आए हैं, पंडित राम कुमार गौतम है, और उकलाना से अनूप धानक हैं, और देवेंद्र बबली हैं, लुटवाना से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहीं ना कहीं ये रहा है कि हम जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दे देते हैं। जो पिछले उनके विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम काटे गए हैं जो मंत्री भी रहे हैं विधायक भी रहे हैं, उनका अपने एक जनाधार बना होता है, अपने अपने एरिया में उनका एक नाम होता है, उनका एक जनमत होता है उनके साथ, तो ये जो दूसरी पार्टी से आके जब टिकट उनको दी जाती है तो इससे इंटरनल जो अंदर कलह है वो डेफिनेटली वाजिब है, होनी ही होनी है, लेकिन ये कलह कितने के घातक जो है वो साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ? राजेंद्र जी ये तो पूरा हरियाणा जानता है और पार्टी के उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी लीडर नहीं बनाया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगती है, और आज भी उनका इतना विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे, ना कि किसी विधायक के या किसी उम्मीदवार के चेहरे के नाम पर। जी तो वो इस बात में भी इतने विश्वस्त हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो जो प्रधानमंत्री के नाम से वोट उनको देगा। अभी जो पेंडिंग 23 के करीब जो नाम पेंडिंग रह गए हैं, तो क्या लगता है कि वो नए चेहरे होंगे या वो पुराने जो चेहरे हैं उन पे दांव खेला जा सकता है? उन पे भारतीय जनता पार्टी काफी सोच समझकर विचार करके उनको उन पे जो टिकटों का जो उम्मीदवारी का ऐलान करेगी, जिसमें कई लोग हैं जो अभी अभी कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से आए हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर अशोक तंवर हैं, वो टिकट के दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, और भी कई लोग हैं, और जो उन सीटों पे जो बाकी आप जो बता रहे हैं 23 जो उम्मीदवार रह गए हैं उन पे काफी जो पहले उम्मीदवार बनाए गए थे उनमें काफी बदलाव की संभावना मुझे नजर आ रही है। मतलब इस बार ये लगता है कि जब
23 जो पीछे उम्मीदवार रह गए हैं उस पर पूरी तरह से मंथन करने के बाद ही जो उनके नाम है वो घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंदेशा हो चुका है जो पहले जिन लोगों ने पहले वहां से उन सीटों से 23 सीटों से चुनाव लड़ा है उनके टिकट बदलने का अंदेशा हो चुका है, जो इसीलिए वो इसीलिए पार्टी हाईकमान के पास दिल्ली में अपने अपने जो जो मिलने वाले जो जानकार मंत्री हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके दरबारों के चक्कर लगा रहे हैं। जो पहली लिस्ट निकली है मुझे लगता है कहीं सोची समझी एक सिस्टम के साथ उन्होंने वो लिस्ट निकाली है कि जिन लोगों ने निकलना है जिन लोगों ने जाना है तो वो उनको चीजें समझ आ जाएंगी कि कौन कौन से लोग बागी हो सकते हैं तो उस चीज को कैसे वो कवर कर सकते हैं कैसे उस चीज की मरम्मत कर सकते हैं वो। ये तो बहुत बहुत छन के जो लिस्ट जो पैनल होता है वो तैयार होता है जी, और उस सारे जो आप कह रहे हैं कि कौन बागी हो सकता है कौन पार्टी छोड़ सकता है इस सारे जो जो इस पे बात करके इस पे विचार करके और टिकटों के लिए पैनल तैयार किया जाता है और स्वाभाविक रूप से जिसके टिकट जिसको नाम जिसको उम्मीदवार बनाया गया और समझ सोच समझ के उम्मीदवार बनाया गया। बात करते हैं महिलाओं की, महिलाओं को काफी हाँ मैं इस यही आ रहा था कि अभी देखिए 90 टोटल जो है 90 के करीब 90 टोटल सीटें हैं हमारी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो फीमेल के लिए औरतों के लिए महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीटें रिजर्व रख रही है? अभी रिजर्व रखने के लिए इन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी लेकिन ये केंद्र सरकार ने पिछले जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी 2023 में एक महिला एम्पावरमेंट का एक एक्ट बनाया था, उन्होंने उस एक्ट में बात की थी कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उनको लोकसभा में 50% आरक्षण दिया जाएगा। मुझे लगता है इस बात पे अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने गौर नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने वैसे जो 67 सीटें जो अभी तक उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें 7 महिलाओं को टिकट देने दिया है जिसमें 7 महिलाओं में जैसे शक्ति रानी है अभी अभी कालका से उनको टिकट दिया है, अंबाला से मेयर थी वो, संतोष सारवान है मुलाना से उनको टिकट दिया है, कमलेश डांडा जो पहले भी मंत्री भी रह चुकी हैं और विधायक कलायत से विधायक रही हैं थी अभी है विधायक है बल्कि और उनको कलायत से टिकट दोबारा रिपीट किया गया है और श्रुति चौधरी तो शाम से श्रुति चौधरी अभी अभी इन्होंने पहले कांग्रेस से पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आई है और इसी तरह से मंजू हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से उपेंद्र हुड्डा के खिलाफ शायद मैदान में उतारा है जी। और मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रेणु बाला डाबला है जो कलानौर से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, उसके साथ साथ कुमारी आरती सिंह अटेली से उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया है। कुमारी आरती सिंह जो राव इंद्रजीत जी की बेटी है तो राव इंद्रजीत जी चाह भी रहे थे कि उनको बेटी को लॉन्च के पर राजनीति में लॉन्च किया जाए और उनको टिकट दिया है, इसलिए ओबीसी के साथ साथ महिलाओं को भी साधने का भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में प्रयास किया है। महिलाओं के साथ साथ मैं एक बात हम पिछले दिनों भी मैंने की थी मैं फिर से करता हूँ, हालांकि उसके ऊपर आपने और मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा के साथ भी डिस्कशन हुई थी, उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताया था परिवारवाद के बारे में, तो परिवारवाद कितना हावी रह सकता है इस बार विधानसभा में? देखिए राजेंद्र जी, जो परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक ढोल पीटती रही है कांग्रेस पे ये और दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती रही है कि दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है जी। आज इस लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं कहीं जो जिनके जो माता पिता जिनके पिता राजनीति में जैसे अभी आपने राव इंद्रजीत जी की पुत्री की बात की, किरण चौधरी की बेटी की बात, श्रुति चौधरी की बात आपने की, इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई है और कुलदीप बिश्नोई को आप जानते हैं चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, बिल्कुल एक खानदान से खानदानी राजनीति उनकी चली आ रही, उनको टिकट तब दिया गया। श्रुति चौधरी की आपने बात की, किरण चौधरी जी की बेटी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, आरती राव
कि आपने बात की है कि आरती राव को बेटे सुनील सांगवान है, उनके उनके पिताजी जो सतपाल सांगवान जी वो विधायक रहे हैं चरकी दादरी से, शक्ति रानी को टिकट दिया गया जो विनोद शर्मा की पत्नी है तो इस प्रकार से बेटा उनका राज्यसभा के राज्यसभा में मेंबर है जी, और कई लोग हैं और आएंगे जो 23 जो उम्मीदवारों की सीट बाकी अभी घोषणा होनी बाकी है उनमें भी कई तो परिवारवाद के लोग भी परिवारवाद से संबंधित हाँ, लोग भी आए। जो भारतीय जनता पार्टी ढोल पीटती रही है कि परिवारवाद जो है वो कांग्रेस की देन है, तो कहीं ना कहीं आज की बात करेंगे तो स्टेट राजनीति में परिवारवाद जो है वो हरियाणा में हावी रह सकता है इस बार भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहकर अभी इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचारधारा से राजनीति शुरू की थी उस राजनीति के ट्रैक से भारतीय जनता पार्टी अलग हो चुकी है, और उसका खामियाजा मुझे लगता है कि जो विचारधारा से भटकी है भारतीय जनता पार्टी उसको आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं अभी हरियाणा के एक एक्स मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी, यहां तक कह दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये बोल दिया कि ये गद्दारों की पार्टी बन गई है अब तो। कहीं ना कहीं ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के हक में जाती नजर नहीं आती है मुझे। देखिए, हमने पहले भी अभी कहा है कि ये जो भारतीय पार्टी को छोड़ने वाले लोग होते हैं, जो छोड़ते हैं तब इस तरह की बात करके छोड़ते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो पुराने लोग थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जो संघ से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सपोर्ट किया वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अब सिर्फ जिताऊ और जातीय समीकरण है और जो सोशल इंजीनियरिंग है वो साधने का काम किया, ये समय बताएगा कि सोशल इंजीनियरिंग। बट ऑब्वियस है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि जो उनके पिछला इतिहास है उसको दोहराए, अपने पिछली जो विधानसभा की जीत है उसको दोबारा जीते और दोबारा से फिर से अपनी सरकार जो हरियाणा में बनाई, डेफिनेटली वो कोशिश तो करेंगे और इसलिए वो उन लोगों पर ही दाव खेलेंगे जो जिताऊ उम्मीदवार उनको लगेंगे। तो अब दूसरी तरफ बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जारी नहीं की है, हालांकि दो दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी लिस्ट जो है पहले जारी हो जाएगी, ऐसे चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही थी कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो बन चुकी है और वो शायद भारतीय जनता पार्टी से पहले जो है वो लिस्ट घोषित हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। तो अब क्या होगा, क्या कांग्रेस पार्टी साथ के साथ अपनी जो लिस्ट है वो जारी करेगी, या इस जो हालात बन रहे हैं इसको देखते हुए कोई नई रणनीति जो है वो तैयार करेगी? देखिए राजेंद्र जी, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट की बात की है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो पहले जो लिस्ट जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और उसको देख के ही जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट से सूची जारी की थी, उसको देखते ही उसके आधार पे ही एक रणनीति के तहत उन्होंने जारी की थी। अभी भी कांग्रेस पार्टी के पीछे दो दिन पहले तो ये कांग्रेस सूत्रों ने ये बताया था कि हमारी लिस्ट तैयार है, लेकिन अभी उन्होंने दो तीन दिन के लिए मुझे लगता है अपनी जो उम्मीदवारों की सूची वो रोक ली है, होल्ड कर ली। दो तीन कारण हो सकते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी की आप पार्टी से बात चल रही है, उनका अलायंस हो सकता है, समझौता होगा तो कितने पे होगा और कौन सी सीटें दी उस पे भी, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट जो उम्मीदवारों की सूची वो रोकी हुई। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी इस जो भारतीय जनता पार्टी के 67 उम्मीदवारों की जो सूची है उसको देखते हुए अपनी सोशल इंजीनियरिंग और अपनी जातीय समीकरण साधने का प्रयास करेगी, और मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने जो की जो सूची आएगी वो इन्हीं बातों को देख के आएगी कि सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण, क्योंकि आज हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ये लगी हुई है कि इसको इस चुनाव को एक सोशल इंजीनियरिंग का के आधार जी 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 बिल्कुल। पिछली जो पिछले दिनों सीएम के चेहरे का बदलाव हुआ वो इसी तरफ इशारा करता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं या जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर फोकस करके इस बार के जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को प्लान करके चलेगी। डेफिनेटली जो दूसरी पार्टियां हैं तो वो भी इसी चीज को मद्देनजर रखेंगी और इसी चीज पे
काम करेंगी। स्वाभाविक है, एक दूसरे की जो काट है वो किस आधार पे दूसरी पार्टी काम कर रही है तो उसी आधार पे, उसी जो आधार पे वो भी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। सो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की, जिसमें बहुत से नए चेहरों पे उन्होंने दांव खेला, जिस वजह से पार्टी के जो कुछ पुराने लीडर जो रहे हैं, पुराने जो नेता रहे हैं या उनके कार्यकर्ता रहे हैं, उनमें रोष नजर आ रहा है और वो बागी सुर जो है उनके सुनाई दे रहे हैं, और कुछ उनमें से कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जाने की बात करते हैं और कुछ लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात करते हैं। खैर, देखते हैं जैसे ही कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी लिस्ट जारी करती है तो किस तरह की जो समीकरण है वो बनते हैं हरियाणा में। देखते हैं कि क्या गुल खिलाएगी जब ये कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है वो जारी होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। धन्यवाद।